श्री सतीश चंद्र दुबे। राजस्थान में भी बीजेपी की स्थिति यूपी जैसी मोटे तौर पर रही और ये कुछ वो चेहरे हैं जिन्होंने उस स्थिति को और वर्ष होने से बचाया है, तो ऐसे में इनकी भूमिका बहुत अहम है। और फिर वो उस राजनीति सतीश चंद्र दुबे आ चुके हैं सुमेरा, बिहार से आते हैं, ये राज्यसभा का इनका सेकंड टर्म है और इनको इस बार सतीश चंद्र दुबे को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर लाते हुए और कैबिनेट में। सतीश चंद्र दुबे के बारे में क्या कहेंगे पंकज? 2014 में भी सांसद थे। जी हाँ, ये वाल्मीकि नगर से भी पहले सांसद रहे हैं और राज्यसभा होने के बावजूद इनको मंत्री बनाया जा रहा है। चूंकि इधर से देखा गया कि ना तो कोई सहयोगी दल जितने भी हैं वो चिराग पासवान की पार्टी से लेकर के आप चले हैं जेडीयू से, तो ब्राह्मण समाज से कोई ऐसा नहीं था जिसको मंत्रिमंडल में जगह मिल रही थी। तो बीजेपी ने सतीश चंद्र दुबे पर ये दांव चला है क्योंकि उस बेल्ट में मिथिलांचल से लेके चंपारण का जो इलाका है वहाँ ब्राह्मणों की संख्या मतलब वोटर की आबादी के हिसाब से देख लें तो ठीक ठाक है, वो जीत हार में इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए सतीश चंद्र दुबे को ये बनाया गया, मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ये जेडीयू कोटे से जा रहे हैं, ये बीजेपी से है, बीजेपी से राज्यसभा जेडीयू कोटे से गए थे। हाँ, राज्यसभा गए थे, ये अभी बीजेपी में, अभी बीजेपी से। तो इस वक्त इनकी ताकत ये क्योंकि ये सवर्ण जाति से आते हैं और उस इलाके में वो रिप्रेजेंटेशन बीजेपी करना चाहते हैं, दोनों भूमिहार हो गए जी हाँ, इस वजह और इस हिसाब से एक ब्राह्मण को भी चाहिए तो एक ब्राह्मण को भी दिया गया है। बिहार से एक और मंत्री आपको दिख रहे हैं, राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए दिख रहे हैं आपको सतीश चंद्र दुबे। 2005 से 2014 तक विधायक रहे हैं, 2014 में वाल्मीकि नगर से सांसद रहे, इस बार क्योंकि ये सीट जेडीयू कोटे में चली गई इसलिए राज्यसभा भेजे गए और राज्यसभा में भी राज्यसभा से अब यहाँ पर मंत्रिमंडल में भी इनको शामिल किया गया है और राज्य मंत्री के तौर पर सतीश चंद्र दुबे ने एक सवर्ण ब्राह्मण चेहरे के तौर पर यहाँ शपथ ली है। आप कह सकते हैं वो जो समीकरण है सूबे का जाती है उसको भी यहाँ पर साधते हुए यहाँ पर। जयशंकर जी, आपको जैसे हम बात कर रहे थे बिहार में ये एक जो जातीय समीकरण है उसको भी साधने का दांव सतीश चंद्र दुबे के तौर पर देख सकते हैं। नहीं, जैसा अभी पंकज कह रहे थे उस पूरे चंपारण इलाके में या मिथिला के इलाके में ब्राह्मणों की राजनीति बहुत मायने रखती है।